ट्रैकिया को बोलते हैं हम लोग क्या, विंड विंड पाइप। यहां तक हम लोग अच्छे से समझ गया था, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या होता है बताओ। तो ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूबलर, आई मीन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब ट्यूब है, जो कि कनेक्ट करता है नेजल कैविटी से, आई मीन नेजल कैविटी से डायरेक्टली वो अंदर, आई मीन वो जब नीचे की तरफ जाता है तो फिर वो लंग्स में वो बाइफरकेट करके पहुंचता। तो ट्रैकिया मतलब एक तरह का ट्यूब है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ लॉन्ग थिक मस्कुलर ट्यूब, ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ लैरिंग्स पासेस थ्रू नेक एंड रीच अप टू द मिडिल ऑफ थॉरक्स। इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी सेप्ड कार्टिलेजिनस सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। इंटरनली ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियल टिश्यू फॉर ट्रैपिंग फाइनर डस्ट पार्टिकल पार्टिकल एंड माइक्रोब्स माइक्रो एंड पुशिंग देम टुवर्ड्स टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, ट्रैक क्या खत्म हो गया, उसके बाद हम आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सर? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कुछ, इसका लोकेशन है, कैसे पास करता है, उस किस चीज से सपोर्ट होता है और उसका क्या काम है, ठीक है। ये चीज सर, फंक्शन सर, फंक्शन बस ये मूव कराता है, एयर से मूव करा गया हो इसको, ठीक है। ओके सर, देखो इसको, और कहीं अगर स्पेलिंग में इशू प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछना, ठीक है। सिलिएटेड मसल्स के म्यूकस क्या? सिलिएटेड सॉरी सिलिएटेड एंड म्यूकस है,
ciliated muscle and secreting epithelial tissue. Sahil. Yes. तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ जीएट का? रिजल्ट आ गया ना? हाँ सर. क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट? सर 70 मेरा 58.5 आया था, 59 आया था. किसमें? बायो में? हाँ सर. चलो ठीक. मतलब फाइनल ये ना, फाइनल का ना मतलब एट का फाइनल. हाँ सर. ठीक है ठीक. इस बार तो 80 का पूछा जाएगा तो तुम लोग को दम लगाना पड़ेगा. अब 90 में शायद 80 का पूछता है ना. हाँ सर 80 का होता. हाँ दम लगा दम दम. सर फ्री बोर्ड होगा ना इस 9 में? तुम लोगों का नहीं होगा अभी इस साल, कुछ नहीं होगा. बस इंटरनली तुम लोग का एग्जाम अच्छे से हो जाए बस यही बहुत काफी है. ठीक है अभी भी देखो सिलेबस तुम लोग को बहुत कम कर दिया है क्योंकि सही से स्कूल में क्लास हो नहीं पा रही है. एग्जाम देखो सही से ले ले तो सही है और क्या. हो गया नोट कर लिए? एक मिनट. हाँ जल्दी थोड़ा जल्दी. हाँ चलो थोड़ा. हो गया सर. हो गया हो गया. वो एंड के हाँ. पहले आउटीरियर लिखा हुआ है. हाँ ये देम टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड. हाँ एंटीरियर. देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो जब ट्रैकिया के अंदर में एयर जाता है तो बहुत सारा फाइन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल होता है जो कि वो अंदर ना चला जाए, तो अंदर ना जाके उसको ऊपर की तरफ भेज देता है. इसलिए एंटीरियर एंड लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ सीलिएटेड सीलिया वगैरह प्रेजेंट है ना, तो उस सीलिया उसको जाने नहीं देता है नीचे, वो ऊपर ही उसको भेज देता है. ठीक है यही चीज बताना चाह रहा है इसमें. अब हम लोग मिटाए इसको. अब यहाँ पे लोग समझेंगे. अब समझो आराम से फोकस्ड होकर इसको समझना है. ठीक है देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग को ये जानना है कि ट्रैकिया के बाद क्या होगा. देखो ये हमारा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया इस तरह से बाइफर्केट कर जाएगा इस तरह से. ठीक है और बाइफर्केट होने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम लोग का लंग्स का हम थोड़ा सा स्क्वायर बना दिए, वैसा होता नहीं है. ठीक है ना. इस तरह काम बना है. ठीक है अब देखो ये जो लंग्स है और ये जो सपोर्टेड है कार्टिलेजनस रिंग से है, ये ट्रैकिया यहाँ तक गया. जब ये लंग्स के अंदर जाएगा तो ये भी सब मतलब ये भी सपोर्टेड ही होगा कार्टिलेजनस रिंग के. तो जो बाइफर्केट होके अंदर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाय. क्या बोल देंगे? ब्रोंकाय. ठीक है ब्रोंका है. उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो बायफर्केट होगा ये वाइड होके फिर ये नैरो में चला जाएगा और इस तरह का एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. बैलून लाइक. तो ये जो नैरो ट्यूब है, जो नैरो ट्यूब दिख रहा है जहां पे कार्टिलेजनस रिंग जो है वो एबसेंट है. देखो दिख रहा है फिगर में क्लियरली, तो कार्टिलेजनस रिंग जो है वो एबसेंट है. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. और उसी से कनेक्ट होता है एल्वियोलाई. क्या कनेक्ट होता है? एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई जो है हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, एल्वियोलाई इस तरह का होता है और इसी के साथ जो है ब्लड वेसल्स भी कनेक्ट होता है. क्या होता है? ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स और ये हमारा होता है एल्वियोलाई. ये हो गया. अब जब हम लोग सांस को अंदर लेंगे
बलून लाइक हो जाएगा और मैक्सिमम एयर को ये कंटेन कर लेगा, ठीक है। अब कंटेन करने के बाद इसी में CO2 बाहर चला जाता है एंड O2 इसी में अंदर आ जाता है क्योंकि एल्वियोलाई, सपोज दैट मान लिया जाए ये हम एल्वियोलाई को लेते हैं, ये एल्वियोलाई है और मान लो ये एल्वियोलाई है, उससे इस तरह से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है, ठीक है। हम बस ये सिंगल दिखा दिए एक ट्यूब, बट ये कनेक्ट होता है इस तरह से, ये कनेक्ट करके रखता है, मतलब उसको पकड़ के रखता है ताकि वहां पे एक्सचेंजिंग का जो प्रोसेस है वो जरूर हो, क्योंकि एक्सचेंजिंग नहीं होगा तो हम लोग को अंदर में जा नहीं जा पाए। हाँ बोलो सर, ये एल्वियोलाई सर ऑक्सीजन और सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करता है ना सर? तो वही तो बोल रहे हैं बाबू, हम वही तो बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये एल्वियोलाई है, ये जो पकड़ के रखता, मतलब ये क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज को पकड़ के रख रहा है, मतलब चारों बगल से कैपिलरीज पे लगा हुआ है। और कैपिलरी का क्या काम होता है, उसका एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल, बट यहाँ पे मटेरियल के तौर पे क्या लेंगे, O2 एंड CO2, CO2 भेज देगा ऊपर और O2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो बाइंड कर लेगा और CO2 हमारा एल्वियोला में भर जाएगा, फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो अगर तुमसे लंग, क्योंकि ये लंग, क्योंकि ये लंग्स के अंदर में प्रेजेंट है, इसलिए लंग्स को हम लोग बोलते हैं कि ये लंग्स हमारा मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। बट अगर लंग्स में भी पूछा जाएगा कि लंग्स में कौन, तो एल्वियोलाई जो होता है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन काम है, अगर बोला जाए कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम लोग क्या नाम लेंगे, एल्वियोलाई नाम लेंगे, ठीक है। यही इसी तरह से मैकेनिज्म है। बट देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जो है, फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं, ये हमारा हो गया ट्राकिया, ट्राकिया भी सपोर्ट होता है कार्टिलेजनेस स्ट्रिंग का, फिर वो बायफर्केट के बाद लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स में जो बायफर्केशन हुआ है यहाँ पे देखो, तो बायफर्केशन जो बायफर्केट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई भी कार्टिलेजनेस स्ट्रिंग से सपोर्टेड होता है, उसके बाद वहां से नैरो जो वो वाइड होता है, फिर नैरो ट्यूब निकलता है और उस नैरो ट्यूब को, उस नैरो डक्ट को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, उसी से एल्वियोलाई कनेक्ट होता है। तो ध्यान रखोगे ब्रोंकियोल्स में नहीं, मतलब कार्टिलेजनेस जो सी स्टेप कार्टिलेजनेस रिंग है वो वहां पे सपोर्ट में नहीं होता है, वो एक तरह का सपोर्टेड वहां नहीं होता, मतलब कार्टिलेजनेस जो रिंग है ब्रोंकियोल्स में एब्सेंट होता है, बस यही चीज है उसमें। अब वो डायरेक्टली एल्वियोलाई में गया और एल्वियोलाई में एयर में जाने के बाद वही मैकेनिज्म, उससे ब्लड कैपिलरीज होगा और ब्लड कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में हेल्प करना, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैसे करता वो भी, क्योंकि तुम लोग में इस चीज का मैकेनिज्म दिया है और तुम लोग का जो डायग्राम है शायद इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ये इस तरह से डायग्राम होगा, ठीक है, देखना इस तरह से डायग्राम दिया होगा, तो हम लोग को इसका मैकेनिज्म तुम लोग को पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी कंप्लीट करते हैं क्योंकि दो तीन पॉइंट बचा है, इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एल्वियोलाई का मैकेनिज्म में चले जाएंगे कि आखिर होता क्या है वहां, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कंसंट्रेशन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, परमेबिलिटी होता है वहां पे, तो तभी ना वो परमिएबल प्रोवाइड परमेबिलिटी आई मीन परमिएबल करेगा कि उसको O2 के CO2, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इसको समझ गए ना? Yes, समझ गया? देखो एक चीज है, यहाँ पे हम एक खाली जगह रखे, आखिर यहाँ पे खाली जगह क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का प्लेस है, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसे देखा जाए तो चेस्ट के बीचों बीच स्टर्नम के जस्ट नीचे इस तरह से खाली होता, क्योंकि यहाँ पे जो है हार्ट का प्लेसिंग होता है, इसलिए वो थोड़ा सा वहां पे स्पेस दिखेगा हम लोग को, ठीक है। इवेंट इतना बड़ा तो नहीं दिखता है बट यहाँ पे स्पेस होता है, इसलिए हम ये स्पेस रखे हैं, ठीक है। इसको समझ गए, इसको मिटाते हैं, इसको नोट, रफ डायग्राम है, ठीक है, नोट करना चाहोगे क्या, इसको मिटा दें? कर लिए सर। कर लिए हो, चल ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फिर ब्रोंकाई टॉपिक दो, ब्रोंकाई टॉपिक दे दो, ब्रोंकाई
सर हाँ सर स्ट्रेट राइट के बाद क्या लिखा हुआ स्ट्रेट राइट ब्रोंकस ब्रोंकस हाँ ब्रोंकस इंटर इंटर द लंग्स एक चीज और छूट गया था इंटर द लंग्स ऑफ इट्स साइड ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस मतलब ब्रांच का ही और वो ब्रांच होता जाएगा ठीक है और ब्रोंका एंड देयर ब्रांचेस बियर इनकम्प्लीट और सी सेप्ट कार्डेंजिक फॉर सपोर्ट ठीक है सर हाँ सर एक टीचर है सर सर वो बोल रहे थे कि इसका क्रिसेंट शेप होता है सर छोटा ब्रोंका ही में हाँ ठीक है क्या हो गया होता है स्कूल में पढ़ाया है क्या नहीं सर वो स्कूल यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था उसी में बोल रहा था अच्छा हाँ हो सकता है होता है होता है सब बुक में नहीं ना देखे थे इसलिए पूछ रहे थे कोई बात नहीं पूछ लिया अच्छी बात है होता है बट वो नहीं है बुक में इसलिए हम नहीं बताएं और कोई बात नहीं ठीक होता है ओके सर ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है वो जो बता रहे वो सही है चलो इसको नोट करो देखो इसमें कुछ कुछ चीज है जो हम रिपीट करना मतलब हम लोग को बता देते हैं सबसे पहले ब्रोंकाई तो ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया डिवाइडेड टू ब्रांचेस में और वो शॉर्ट स्ट्रेट राइट ब्रोंकस है और ब्रोंकस ही जो है वो इंटर करता है और ब्रोंकस का जो इतना ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग एंड री ब्रांचिंग वही कहलाता है ब्रोंकाई क्या कहलाएगा ब्रोंकाई ठीक है ब्रोंकाई जो है ब्रोंकाई एंड देयर ब्रांचेज हम लिखे हैं देखो सपोर्ट करता है इनकम्प्लीटेड सी सेप्ट कार्टिलेजिक से क्योंकि उसको सपोर्ट करना है उसके बाद ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंका का जो ब्रांचेज है वो और फाइन ट्यूब में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स ही मतलब ब्रोंक्यूल्स ही बाद में अराइज करता है एल्यूलाई को और एल्यूलाई जो है वो मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यहाँ पे आंसर है ठीक है चलो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाकते ये हो गया अब हम लोग आते हैं लंग्स में सर वो थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं सर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई अल्टीमेटली प्रोड्यूस वेरी फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स डू नॉट पॉसेस इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग सर ब्रोंक्यूल्स हाँ ब्रोंक्यूल सर ये ना यस सर हाँ ब्रोंक्यूल
यस सर हो गया यस सर रुकिए सर अच्छा ठीक है सर एल्वियोली और एल्वियोलर के बाद क्या है सर सैक है एस एस सी सैक ये जो आप रेड से हाईलाइट किए सर अंडरलाइन सर वो सब मेन मेन पॉइंट्स है ना सर हाँ वो मेन मेन पॉइंट्स ठीक है एल्वियोलाई में लिखे हैं मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई दिखाए हैं ब्रोंकियल्स लिखा है ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई को ब्रोंकियल्स बोलते हैं अब ब्रोंकाई क्या बियर करता है इनकम्प्लीट सिस्टर कार्टिलेज तो वो हम अंडरलाइन कर दिए ताकि अगर तुम पढ़ोगे तो तुरंत वहां पे तुम्हारा चला जाएगा आंख आंख जाएगा तो तुम्हारे को तुरंत याद रह क्या ठीक है अब हम लंग्स पढ़ेंगे ठीक है तो लंग्स जो है वो इलास्टिक स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है ठीक है और इसको कवर करके रखता है एक लेयर जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन क्या नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन और उसका दो ही काम है एक है जब ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है तो लंग्स का क्या काम होता है कि जैसे ही हम लोग एयर को अंदर लेते हैं ठीक है तो हमारा जो चेस्ट है वो अपलिफ्ट करता है और आगे की तरफ बढ़ता है ये जो मैकेनिज्म होता है ऊपर आना फिर जाना क्योंकि इनहेल में ऊपर आएगा एक्सहेल में नीचे चला जाता है तुम लोग देख सकते हो बीबी करके ठीक है तो उस टाइम पे क्या होता है कि लंग्स का वॉल और लंग्स के अंदर का जो कंपोनेंट है दोनों में फ्रिक्शनलेस जो बना रहे ठीक है तो उस दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शनलेस कौन बना के रखेगा तो वही प्लूरल मेम्ब्रेन ठीक है सपोज इट मान लो चलो समझना छोटा सा ये मान लो लंग्स है सर्कल बनाए ये लंग्स है और इसके ऊपर में कवरिंग है ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया ठीक है और ये जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी और इस प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड का ही काम होता है एक तो फ्रिक्शनलेस प्रोवाइड करना एक तो फ्रिक्शनलेस प्रोवाइड करना दूसरा ठीक है दूसरा काम है कि अगर मान लिया जाए कभी लंग पे कोई प्रेशर या शॉक एक तरह से पड़े तो उस प्रेशर को वो मेंटेन कर पाए बस इसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन सपोज इट मान लो ये लंग्स है ठीक है और ये हमारा सेकेंड वाला हाथ वो मेम्ब्रेन है तो लंग्स का काम क्या है ऊपर नीचे करना ठीक है तो अगर मान लो मेम्ब्रेन उसके साथ सटा हुआ रहेगा तो ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा ना तो वो थोड़ा दूर में रहता है मतलब इस दोनों जैसे मान लो देखो ये दोनों के बीच में एक स्पेस जनरेट हो रहा है और उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं क्या प्लूरल कैविटी और ये वाला पार्ट को बोल दिया प्लूरल मेम्ब्रेन और जो कैविटी है उसमें फ्लूइड है तो जब लंग्स का मैकेनिज्म इनहेल एक्सहेल होता है तो फ्रिक्शनलेस करने में हेल्प करता है दूसरा कि मान लो ये ले रहा सपोज इस मेम्ब्रेन पे कोई हिट कर दिया जोर से या किसी तरह का प्रेशर आ गया या फिर एक होता है ना मान लो कुछ हम चेस्ट पे गिर ही जाता तो हो सकता है कि वो जो है देखो ये चीज है ना ये फ्लूइड के कारण इसको यहाँ पे सटने नहीं देगा क्योंकि ये अगर मेम्ब्रेन सट गया ना तो लंग्स वहीं पे डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाएगा और वर्किंग खत्म हो जाएगा उसका तो एक तो शॉक एब्जॉर्बिंग है और दूसरा वो फ्रिक्शनलेस बनाता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों हो गया वही चीज है तो हम लोग लिखते हैं टॉपिक दो लंग्स समझ गया सब ठीक है टॉपिक दो लंग्स लंग्स इट इज अ पेयर ऑफ पिंकिश मतलब पिंक कलर का होता है जी पिंकिश स्पॉन्जी कॉनिकल एंड इलास्टिक सैक that function as respiratory organ
लंग्स अकर इन द थोरैसिक कैविटी एंड लोअर ब्रॉड सरफेस रेस्ट ओवर द डायफ्राम Each lung is covered by a membrane called pleural membrane. Pleural membrane. The cavity between lungs and pleural membrane, is called pleural cavity. Pleural cavity. And contain fluid called pleural fluid. Function. Function of pleural membrane. पहला है It keeps the lungs surface moist. दूसरा provide frictionless movement of lungs. और तीसरा है protect from mechanical injury and shock. Each lung इसके बाद क्या लिखा हुआ है? Covered है. Each lung is covered by a membrane called pleural membrane. The cavity between lungs and pleural membrane is called pleural cavity and contain fluid called pleural fluid. Function of pleural membrane. सिर्फ फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट में सरफेस की बात क्या है? मॉइस्ट है, MOIST, मॉइस्ट. थोड़ा छोटा लिखा गया है, छोटा भी है और थोड़ा. हाँ बोलो.
हो गया, सबको लिख लिए? यस सर। नो सर। अब अच्छा लिख लिए सर। हम ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। हो गया कंप्लीट सबका? यस सर। हाँ बोलो। यस सर बोल रही है सर, हो गया। अच्छा चलो, अब जो है हम लोग आगे जो करेंगे, आई मीन अब हम लोग आगे जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के लिए मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ब्रीदिंग मैकेनिज्म का अलग अलग मतलब दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या क्या होता है समझेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म का सीधा सीधा मतलब है, ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक को हम बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, और एक को बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक्सहेलेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि O2 रिच एयर enter the lungs, मतलब lungs के अंदर O2 reach air अगर जाता है तो उसको हम लोग inhale बोलते हैं, और CO2 reach air out of the lungs, मतलब अगर O2 reach air out होता है मतलब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं exhalation। बट ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए दो तीन चीज का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोलते हैं फेनेरिक मसल, मतलब ये रिब केज का मसल है। दूसरा होता है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में है डायफ्राम। ये तीन चीज का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेनरिक मसल्स कहने का मतलब हो गया कि जो रिब का जो मसल्स है, और इंटरकोस्टल मसल्स कहने का मतलब दो रिब के बीच का जो मसल्स है उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और डायफ्राम जो है वो लंग्स के ब्रॉड पे बेस्ड होता है। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये है लंग्स, ठीक है, ये है लंग्स है, इसको हम लंग्स ले लेते हैं। और ये जो इस तरह का सी शेप तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया? डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? डायफ्राम। ध्यान देना यहाँ पे कि डायफ्राम के ही कारण इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो होता है वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। और अगर इनहेलेशन करते हैं तो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमारा चेस्ट जो है वो अपलिफ्ट कर गया, और एक्सहेलेशन में जो होता है वो डाउनलिफ्ट कर जाता है, मतलब वो नीचे चला आता है। अगर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं समझो यहाँ ध्यान से, ठीक है। जब जो है सपोज मान लो ये डायफ्राम है, और जब इस तरह के ये डायफ्राम है, जब एयर अंदर आता है तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस दोनों पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना, सॉरी डायग्राम को समझना, कि जैसे एयर अंदर आएगा तो इस दोनों रीजन पे क्या हो जाता है, एयर जो है वहां पे प्रेशर डालता है, और प्रेशर जैसे ही डालेगा ये मान लो इस तरह से, वो इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ये सीधा, मान लो ये सीधा हो जाएगा, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, तो इस तरह से जो है वो अपलिफ्ट कर जाता है। और अगर हम एक्सेल कर देते हैं तो ये अपने नेचुरल कंडीशन पे आ गया और वो डाउनलिफ्ट में चला जाता है। इसके लिए, और हाँ, जब एयर अंदर जाता है तो डायफ्राम
और फेनरिक मसल एंड इंटरकोस्टल मसल, ये तीनों जो है वो एक्सपेंड करता है, जिसके कारण जो पल्मोनरी वॉल्यूम है अंदर का, जो लंग्स का कैविटी है, पल्मोनरी सॉरी लंग्स जो कैविटी है, और वो कैविटी जो होता है वो अपना एरिया बढ़ा देता है, एकदम एक्सपेंड कर देगा, ठीक है, तो वो अपलिफ्ट कर जाता है। और वही जब एयर घट जाता है तो प्रेशर घटेगा, कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो डाउनलिफ्ट चलेगा। तो ये भी मैकेनिज्म इसमें आता है, ठीक है, मतलब यही है इसमें। तो सबसे पहले इसको समझ गए हम लोग, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब ये चीज समझे ना, अब हम इसको लिख के समझेंगे आगे, ठीक है, इसको समझे। यस सर, समझ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग पहले टॉपिक दो ब्रीदिंग, सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, तो टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग। The process of taking in fresh air and releasing all air called breathing। दूसरा है breathing consists of two steps। तो first में है inhalation और इसी को बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं exhalation और एक्सपीरेशन। तो पहला जो है पॉइंट क्या हो जाएगा, इनहेलेशन। तो यहां पे ओके, इट इज ब्रिंगिंग ऑफ फ्रेश एयर into lungs for exchange of gases। During inhalation thoracic cavity enlarges due to two types of inspiratory muscles, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा
ट्रेनिक, ट्रेनिक और दूसरा आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल सुनोट को ओडिसल टैक्स कर। आज हम लोग इनहेलेशन कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्या क्या दिखा रही है? हो गया सर। किसको भेजना है? अच्छा, अरे वो सुनो ना, उसको गेट लगा दो तो हमको भी याद आए। हो गया, कैसे हो गया? हाँ तो सबका हो गया, इसमें कुछ दिक्कत है? स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा वैसे? सर वो नंबर दो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। हाँ ओके सर, हो गया। सेंड्रिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर, हो गया। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग मैकेनिज्म ही तो इनहेलेशन का ये पार्ट है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखी ना सर, थोड़ा बहुत बड़ा लिख रहा है। नहीं, रेड पेन इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्या? एक सेकंड चेंज कर देता हूं। नहीं सर ठीक है सर, तो थोड़ा सर क्वालिटी सर थोड़ा खराब। ओके सर ठीक हो गया। ओ लग रहा है वो साफ नहीं आ रहा क्या सर? अब आ रहा है, पहले थोड़ा सा गड़बड़ था। हाँ सर अब और साफ आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक।
ये हो गया, इसको लिखो। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, देखो फेमरिक मसल्स स्ट्रेट होगा और जिसके कारण डायफ्राम जो है वो कर्व हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जिससे थोरेक्स का लेंथ इंक्रीज हो जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा उसका मसल्स, जिसके कारण रिब केज को वो पुश करेगा, आई मीन वो पुश करने कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ जाएगा और अंदर से वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, सिंपल है। वो आउटवर्ड है एंड अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण उसका गर्थ जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे वो एयर टाइट रहेगा तो थोरैक्सिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो काउज लंग्स का एक्सपेंशन, आई मीन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होगा, जिसके कारण डिक्रीज करेगा एयर का, आई मीन प्रेशर का एयर डिक्रीज करेगा और फिर वो फिर बाहर हो जाएगा। तो ये फिर मतलब डिक्रीज तक जो है वो तुम्हारा इनहेलेशन हो गया, उसके बाद एक्सहेलेशन, लेकिन इसके बीच में एक और मैकेनिज्म होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है, उसको भी लिखवा देते हैं, नोट करो, एक्सचेंज ऑफ गैस लिखवा देंगे, चार लाइन का है वो, तीन लाइन का। कैसे लिखी हो गया, अरे का हो गया है, हो गया ना, चलो बस एक टॉपिक और है, तीन चार लाइन का, उसको लिखते हैं फिर खत्म होगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जो स्टार्ट करने करेंगे, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि वो चला गया लंग्स में, अब जब तक वो एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का तब तक CO2 कैसे आएगा लंग्स में, सबसे पहला ये कहां होगा, तो इट अकर्स इन द एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, fresh air has high concentration, fresh air has high
कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम फ्रॉम एल्वियोलर सैक और एल्वियोलर एयर सॉरी एयर टू ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज कैपिलरीज अराउंड द एल्वियोलर CO2 diffuses from blood into alveolar alveolar air चल कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट करो. ये सर लिखिए. हो गया. तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है ये यही, मतलब आज का जो क्लास है यही खत्म होता है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इनहेलेशन आई मीन सॉरी एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सहेलेशन के बाद ब्रीदिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो एल्वियोलाई में एक्सचेंजिंग का प्रोसेस है वो भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको पढ़ते हैं. ठीक. आगे का थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा रीड करके आना फिर उसको. यहाँ तक तो फिर कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है. चलो तो इसको रिवाइज जरूर करना. सब कोई रिवाइज जरूर करोगे. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो फिर से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है.